हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू दूसरा व्यू। और फाइनली वो वक्त आ गया है उस चीज़ का जिसका सबको इंतज़ार था। वर्ल्ड कप शुरू हो गया है। इनफैक्ट हर टीम ने एक एक मैच भी खेल लिया है, हर टीम का फ्लेवर हमें मिल गया है। आज उसके ऊपर हम बात करेंगे। वर्ल्ड कप के अलावा एक और चीज़ का भी कई नाजरीन को इंतज़ार था शो पे, वो था कि कब माइक्रोफोन आएगा। और एज़ एडवर्टाइज्ड माइक्रोफोन आप सब के सामने एक बार फिर आ गया है। तो डू जॉइन ऑन दूसरा व्यू थ्रू आउट दिस वर्ल्ड कप जर्नी। ये इसलिए ही आया ताकि आप लोग गुफ्तगू क्लियरली सुन सकें। उस सब के लिए डू सब्सक्राइब। लेकिन आज की वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान वर्सेस नेदरलैंड के बारे में। पाकिस्तान इज़ ऑफ द मार्क इन द बिग वर्ल्ड कप। उसके अलावा जो इंडिया का पहला मैच हुआ है, हाईली एंटिसिपेटेड मैच, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। और क्या इन्वायरमेंट था इंडिया के क्रिकेट ग्राउंड में। और इस मैच में हमने देखा कैसे इंडियन स्पिनर्स ने टोटली नॉकआउट किया ऑस्ट्रेलियन बैटर्स को। इसके ऊपर बात करेंगे। और क्या हो रहा है वर्ल्ड कप के हवाले से, साउथ अफ्रीका कैसे खेल रहा है, 428 रन कैसे बने, 3 सेंचुरीज कैसे मारी, कौन अच्छा खेल रहा है कौन बुरा खेल रहा है, इस सारे की ऊपर बात करेंगे राइट हियर ऑन दूसरा व्यू पॉडकास्ट। थैंक यू अगेन फॉर जॉइनिंग गाइस। क्रिकेट के ऊपर बात करने से पहले मैं थोड़ी आप लोगों से बात करना चाहता हूँ। दूसरा व्यू मेरे लिए काफ़ी मायने रखता है और दूसरा व्यू आप सब ने ही बनाया है। दिस इज़ द फैंस व्यू। और मैं आप सब का हमेशा शुक्रगुजार रहूँगा कि आप लोगों ने इतना प्यार दिया, इतना सपोर्ट दिया। नो मैटर विच साइड ऑफ द बॉर्डर, दोनों साइड से हमेशा बहुत पॉजिटिव फीलिंग्स आई हैं। इनफैक्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड से। सो इस सब के लिए बेहद शुक्रिया, क्योंकि बहुत बुरे बुरे वक्तों में आप सब ने अपने कमेंट्स के साथ, अपनी सपोर्ट के साथ हमेशा मुझे उजाला किया। तो उस सब का शुक्रिया। इवन जो रिसेंट हादसे गुजरे हैं मेरी ज़िंदगी में, जो मैंने आपके साथ शेयर किए थे, थैंक यू फॉर हेल्पिंग मी थ्रू दैट। तो इसी रुख में माइक्रोफोन लिया है ताकि हम सारे और अच्छे तरीके से इन्जॉय कर सकें शो को। और उसके अलावा मैं कोशिश करूँगा एक बैकग्राउंड सेट भी लूँ ताकि और अच्छी फीलिंग आए आपको शो के हवाले से। जितने भी आप लोगों की सपोर्ट है और जितनी भी सजेशंस हैं, दे डू नॉट गो अनोटिस्ड। अब बात करते हैं थोड़ी क्रिकेट के ऊपर। सॉरी फॉर गोइंग ऑन दैट टैंजेंट, लेकिन आई डू अप्रिशिएट यू गाइस अ लॉट। तो मैं बात करना शुरू करना चाहूँगा पाकिस्तान वर्सेस नेदरलैंड्स में। पाकिस्तान का पहला मैच था और फाइनली हमें वो क्या नज़र आई है, वो चीज़, वो फर्क नज़र आई है हमें पाकिस्तान टीम में से। मैं आपसे पूछता हूँ, हम जीत तो गए मैच, लेकिन इट वॉज नॉट विदाउट स्केयर। क्या हमारी वीकनेसेस पे हमें इम्प्रूवमेंट नज़र आई? सर्टेनली कुछ एरियाज़ में, लेकिन नॉट ऑल एरियाज़। आई स्टार्ट विद आर बैटिंग। 38 for 3 पे हम रीलिंग थे अगेंस्ट नेदरलैंड्स। एक बार फिर आपकी ओपनिंग पार्टनरशिप जो इमाम और फखर पे रिलाई करती है, दे वेंट नोवेयर। इमाम आउट हुए थे, मैंने सुना है 11th टाइम ऑन अ शॉर्ट बॉल। और मैंने इस चैनल पे हर प्रीसीडिंग वीडियो में इमाम की वीकनेस को पॉइंट आउट किया अगेंस्ट फास्ट बॉलिंग। इवन कमेंट्स में आप लोगों ने एग्री किया है, वी ऑल सी इट, लेकिन कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आ रही, विच इज़ वेरी कंसर्निंग। और दूसरी तरफ फखर ज़मान है, जिनको मैनेजमेंट कह रही है हमारे मैच विनर है, कोई प्रेशर नहीं है फ़खर के ऊपर और फुल सपोर्ट है फ़खर को। हमें पता है फ़खर मैच विनर है, लेकिन फ़खर कैन नॉट इवन मिडल द बॉल फॉर हिज लाइफ राइट नाउ। और क्या ये एक लाइबिलिटी बन चुकी हैं टीम में? क्या हमें इन्हें रिमूव करना चाहिए इस वक्त? मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या इमाम को रिमूव नहीं करना चाहिए? फ़खर के ऊपर तो बहुत बात हो रही है। फ़खर का तुम्हें पता है एटलीस्ट मैच विनर है, कैरी कर रहे हैं। ऑन व्हाट बेसिस आर यू कैरिंग इमाम? और इधर ही मैं बोलना चाहता हूँ कि किस तरीके से PCB की जो भी सिलेक्शन है या जो भी थिंकिंग है, कितनी फेलियर है। आप देखें दूसरी तरफ इतना प्यारा प्लेयर न्यूजीलैंड का रचिन, और जिस तरीके से उसने सेंचुरी मारी है अगेंस्ट इंग्लैंड इन द IC ओपनर इन अहमदाबाद, जहाँ पे बहुत कम लोग देखने आए थे, उधर जब उसने सेंचुरी मारी थी तब नज़र आ रहा था कि न्यूजीलैंड ने जो उसके ऊपर ट्रस्ट किया था, इट हैज़ ऑलरेडी पेड ऑफ विद द विन ओवर द डिफेंडिंग चैम्पियंस। यस, दे आर द डिफेंडिंग चैम्पियंस। डोंट लिसन टू जॉर्ज बटलर की थ्योरी हम डिफेंडिंग नहीं है। जो भी रचिन ने जो इनिंग्स खेली है, मुझे याद आ रहा है कि हमारे पास ऐसा कोई प्लेयर क्यों नहीं है जिस पर हमने बैंक किया। हमारे पास साइम अयूब क्यों नहीं है? हमने साइम अयूब को जब आइडेंटिफाई किया था एक्सेप्शनल टैलेंट होने के नाम पे, हारिस के साथ ही आइडेंटिफाई किया था, हारिस को तो कैरी किया हमने, साइम अयूब को क्यों नहीं कैरी किया गया? हम मैंने नहीं कहा था रिप्लेस करो, मैं नहीं कह रहा रिप्लेस करना चाहिए था मैं इमाम और फखर को साइम के साथ, जब हमें पता है इमाम और फखर ओडीआई रैंकिंग्स में टॉप पे जा रहे हैं, लेकिन आपके पास बैकअप तैयार होना चाहिए था इन केस दिस हैपेंड। और साइम अयूब दिखा रहे हैं इस वक्त, और जब मैं रचिन को देखता हूँ मुझे रिग्रेट होता है कि अगर हमारे पास कोई सेंसिबल होता इदारा या सेंसिबल कोई लीडरशिप रोल में होता तो जो सिलेक्शन भी कर सकता है, तो फिर ये हमें ना देखना होता कि इस वक्त इमाम और फखर सगड़ स्ट्रगल कर रही हैं और अब्दुल्ला शफीक थोड़े मैचेस पहले आए और पता ही नहीं क्या हो रहा है, अब्दुल्ला को भी नहीं खिला रहे। तो ये बहुत कंसर्निंग है। ओपनिंग 38 for 3 के बाद क्या हुआ, मोहम्मद रिजवान बैटिंग करने आए और उनके साथ साउद शकील। ये जो पार्टनरशिप थी दिस वाज द गेम चेंज। और जिस तरीके से साउद ने बैटिंग किया आई मस्ट से ही हैज़ इम्प्रेस्ड वन एंड ऑल। और जो वो सिनेरियो था जहाँ पे उन्हें नो बॉल नज़र आई थी कि एक फील्डर ज़्यादा उन्होंने बाहर खड़ा किया हुआ था, ही कैश्ड इन, उस बॉल पे चौका, नो बॉल का रन अलग और फिर नो बॉल पे छक्का अलग। तो इस बॉल ने बेसिकली मैच को चेंज किया था। तो साउथ ने जिस तरीके से खेला, अग्रेसिव खेला, उन्होंने पता चल रहे थे कि इंटेंट के साथ आए हैं, और जिस तरीके से रिजवान के साथ पार्टनरशिप की थी, रिजवान प्लेड वेरी वेल। मुझे थोड़ी बैटिंग में डिसअपॉइंटमेंट हुई थी, जिस तरीके से डिसमिसेस हुए थे, कुछ इतनी अच्छी बॉलिंग नहीं थी जितनी बुरी बैटिंग थी। सम बैट्समैन सिंपली प्लेड डाउन द रॉन्ग लाइन इंक्लूडिंग मोहम्मद रिजवान। लाइन पे आप नहीं खेलोगे तो बोल्ड हो जाओगे, तो ये मसला था। और दूसरी बात मैं करना चाहूँगा कि बैटिंग तो होगी आपकी, ठीक है, बाबर नहीं चले एक बार फिर, बाबर का बहुत ज़रूरी है चलना गोइंग फॉरवर्ड, क्योंकि बाबर के ऊपर हमारी टीम ही इज़ आर बैकबोन, वो अगर चलेंगे तो फिर हम उनके राउंड खेलेंगे और हम नॉट आउट रहेंगे, वरना नेदरलैंड के ख़िलाफ़ हम ऑल आउट हो गए थे। अब मिडल ऑर्डर चल रहा है, और सबसे की बात ये थी कि नवाज़ और शदाब की पार्टनरशिप जो थी इन द लोअर ऑर्डर, दैट वॉज क्रिटिकल फॉर पाकिस्तान टू रीच 280, वरना पता नहीं क्या होता भाई, प्रेशर में आ जाते क्या होता। लेकिन ये दोनों बैट्समैन फाइनली दे गॉट सम टाइम इन द मिडल। मुझे नहीं पता अच्छी बॉलिंग के ख़िलाफ़ क्या होगा, जब बैट कामेंस आपको बॉल कर रही होंगी जॉश हेजलवुड के साथ, तब ये लोग लोअर ऑर्डर में कुछ कर सकते हैं या नहीं। लेकिन मज़ा आया कि नवाज़ और शदाब ने रन बनाए। अब आते हैं फील्डिंग के ऊपर, क्योंकि बॉलिंग के ऊपर मैं बात करूंगा, लेकिन फील्डिंग उससे पहले मैं बात करना चाहता हूँ जो चाचा जी हैं, ठीक है। चाचा ने पहले कैच छोड़ा था वार्म अप में, ठीक है, उसके बीच में से गया था आई बिलीव अब्दुल्ला शफीक की और चाचा की, और चाचे का कैच था एंड चाचा डिडंट मूव टुवर्ड्स द राइट और इट वेंट, नहीं पकड़ सके। और इस मैच में वर्ल्ड कप मैच में हारिस रूफ ने एक ओवर में 2 विकटें ली हैं, रनिंग इन एज फास्ट एज ही कैन, इंजन उनका ऑन फायर है, और तीसरी विकेट लेने लगे हैं और चाचा जी ने कैच छोड़ दिया। चाचा जी ने सिटर छोड़ा ऑन इन स्लिप। अगर चाचे से कैचेस नहीं हो रहे स्लिप पे, चाचे को निकाल दो। हम ऐसे अफोर्ड नहीं कर सकते भाई कि स्लिप पे डॉली कैचेस मिस हो रहे हैं। मुझे पता है स्लिप पे कोई ईजी कैच नहीं होता, लेकिन स्लिप पे कैचेस मिस भी नहीं होने चाहिए। बॉलर को बहुत डिसअपॉइंटमेंट होती है, डाउन हो जाता है पूरा मोरल, टीम गिर जाती है, तो फिर भी नेदरलैंड्स था। तो मैं इधर बहुत वाज़े तरीके से कहना चाहता हूँ फील्डिंग कंसर्न है। नवाज़ ने भी कैच छोड़ा था एक वार्म अप मैच में। तो कैचेस का मसला है, कैचेस विन मैचेस गाइस। हमें पता है हम आईसीसी टूर्नामेंट से पहले निकले हुए, चाहे वो राहत अली का कैच हो, हसन अली का कैच हो, यूनस खान का कैच हो, ड्रॉप्स हैव रियली कॉस्ट अस बिग टाइम, सो वी डोंट वांट टू मेस अप विद आवर। इवन जो शाहीन की हुई थी वो इंजरी भी फील्डिंग की वजह से हुई थी। हमारी फील्डिंग के बड़े इशूज़ रहते हैं मेजर टूर्नामेंट में, तो फील्डिंग में बेहतर करनी होगी। बॉलिंग के लिहाज से हसन अली ने इम्प्रेस किया। हसन अली ने ओपनिंग स्पेल में शाहीन के साथ जोड़ी जो उनका कपल था, और हसन अली ने दिखाया कि ही स्टिल हैज़ इट। क्योंकि मुझे सबसे ज़्यादा जो इन्हें इम्प्रेस की थी बात वो थी व्हेन ही केम बैक टू बॉल फॉर हिज सेकंड स्पेल, रिवर्स की उन्होंने, अंदर लाए। और जिस तरीके से हमें आदत है कि हसन अली उस एंगल से लाते हैं राइट आर्मर से, स्विंग 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 अंदर, और न्यू बॉल के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन ओल्ड बॉल के साथ उन्होंने किया रिवर्स में और अंदर आई थी बॉल ऐसे। और ये मैच हुआ था हैदराबाद में, तो शायद उनको रिवर्स की हेल्प मिल गई हो बिकॉज ऑफ द पिच कंडीशंस। मुझे नहीं पता बाकी ग्राउंड्स में क्या होगा, लेकिन अगर रिवर्स मिलती रहती है हसन अली को तो ही कैन बी डेंजरस। लेकिन पता चल जाएगा हसन अली का क्या फ्यूचर है व्हेन ही गोज़ अगेंस्ट द टॉप बैटिंग इन द वर्ल्ड। उसके अलावा शाहीन शाह, लग रहा है कि प्रेशर ज़्यादा है उन पर। ऑब्वियसली नसीम शाह नहीं खेल रही, अंडरस्टैंड्स कि कितना इंपॉर्टेंट रोल है उनका ऊपर से विकटें लेने का। और अगर शाहीन प्रेशर में है, मैं यही बोलूँगा जस्ट प्ले योर नेचुरल गेम, यू आर अ वेरी टैलेंटेड बॉलर, द होल नेशन इज़ बिहाइंड यू। और मुझे पता है ही इज़ ऑल्सो वेरी फोकस्ड बॉलर और ही विल डू वंडर्स फॉर पाकिस्तान। तो मुझे शाहीन की टेंशन नहीं है। बेशक लोग कह रहे हैं कि वो पेस कम हो गई है, ये हो गया, वो हो गया, वी नीड शाहीन, शाहीन इज़ स्टिल द बेस्ट एंड द वर्ल्ड फियर्स शाहीन। तो इस वक्त हमें उन्हें सपोर्ट करने की ज़रूरत है। हारिस रूफ लेकिन एक्सेप्शनल थे। मैं उनके बारे में बस ये कहना ज़रूरी समझता हूँ कि नेदरलैंड के ख़िलाफ़ तो आप शोर मचा रहे हो, सामने आके जज्बा दिखा रहे हो और मुंह पे जा रहे हो। इंडिया के ख़िलाफ़ आप जब मैच होता है ना तो आप कोहली के बस ही हा और कोई अग्रेशन नहीं होती भाई इन लोगों में। जब बड़ी टीमों के साथ मैच होता है मुझे उधर दिखाओ, मुझे वो देखना है, ठीक है। ये नेदरलैंड्स के साथ में शशकना दिखाओ। जब अफरीदी ने चुम्मी दी थी कैलिस को, आप सबको याद होगा T20 वर्ल्ड कप 2009 में सेमीफाइनल में ही ब्लू अ किस टू कैलिस आफ्टर पोलिंग हिम फॉर 4 ओवर मिड विकेट, ठीक है। वहाँ भी आज सिमिलरली 2015 में जिस तरीके से शेन वॉटसन को ने बॉम्बार्ड किया था बाउंसर्स के साथ एंड देन द फ्लाइंग केसेस, ये चीज़ हमें देखने को मिलेगी तो एज अ फ़ैन बहुत मज़ा आएगा। मैं झूठ नहीं बोलूँगा, जब ऐसी होती हैं इनकाउंटर्स ऑन द पिच, इवन जब स्लेजिंग होती है थोड़ी, तो इट रियली गेट्स टू मी एंड मुझे वो चीज़ मैं बड़ा इन्जॉय करता हूँ। खैर, तो ये सारी बातें हो गई। उसके बाद हमारी बॉलिंग ने अच्छा काम किया और स्पिनर्स जो हैं आई वुड स्टिल से वी नीड टू प्ले उसाम मीर, क्योंकि मैं देख रहा हूँ, मैं बात करूँगा इंडिया मैच की, लेकिन इंडियन स्पिनर्स ने जिस तरीके से स्पिन किया बॉल को हमारे स्पिनर्स नहीं कर सक रहे। और उम्मीद है कि नवाज़ और शदाब आगे अच्छा करेंगे, लेकिन मुझे लग रहा है उसाम मीर की हमें ज़रूरत पड़ेगी इस टीम में। तो मुझे नहीं लग रहा, मुझे नहीं समझ आ रही किस तरीके से फिट करेंगे, लेकिन दैट्स ऑन द मैनेजमेंट राइट नाउ। और शायद मिकी नहीं फिट करना चाह रहा, शायद शदाब के साथ ही आगे जाना चाह रहे हैं। तो ये बात हो गई। क्लास अपार्ट नहीं है इस वक्त हमारे स्पिनर्स जैसे कुछ बाकी मुल्क के हैं। तो ये बात होगी पाकिस्तान वर्सेस नेदरलैंड्स की। वेरी गुड मैच फॉर पाकिस्तान बिकॉज दे डिड गेट पॉइंट्स ऑन द बोर्ड विच इज़ सो इम्पॉर्टेंट। नेट रन रेट भी हमने थोड़ी बेहतर कर ली और बेहतर हो सकती थी, लेकिन पॉइंट्स मिलके सबसे बड़ी बात किया। तो अब बात करते हैं इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की। ये बहुत एंटिसिपेटेड मैच था और ये बहुत हाई वैल्यू मैच था, क्योंकि दोनों फेवरेट्स हैं टीम की और एक को पॉइंट्स लूज़ करने थे और वो टीम आखिर में थी ऑस्ट्रेलिया। सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूँ ग्राउंड के माहौल के ऊपर। बहुत बात हुई थी कि ओपनिंग मैच में अहमदाबाद के ज़्यादा लोग नहीं आए थे देखने, खाली ग्राउंड था, लेकिन 1,20,000 या 1,10,000 या 1,00,000 की जब गुंजाइश हो तो आपको जब 20-30,000 भी कम लगेंगे लोग, मैं समझता हूँ इस बात को। लेकिन फिर भी इट वॉज काइंड ऑफ सैड टू सी दैट कि एक ओपनिंग गेम में ये हुआ है। और मुझे नहीं पता है अहमदाबाद में सिक्योरिटी के क्या हालात हैं, क्योंकि ओपनिंग सेरेमनी भी कैंसिल हो गई थी फॉर सम रीज़न। बहुत ही ऑड था कि ओपनिंग सेरेमनी नहीं हुई। इतना बड़ा वर्ल्ड कप है और इतनी ज़्यादा हाइप है, लेकिन हाइप अपेरेंटली होनी चाहिए क्योंकि इंडिया में हो रहा है एंड देन इट्स द लाइक द रिलीजन ओवर देयर। तो मतलब समझ नहीं आई कि ये क्या हुआ था, ओपनिंग सेरेमनी नहीं हुई। लेकिन जो मैच हुआ उसके अंदर जो टर्न अप आया इस मैच में, चेन्नई में मैच था आई थिंक, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग चेन्नई में मैच था, और जिस तरीके से लोगों ने सपोर्ट किया इंडिया को, ये सबसे बड़ा फ़ायदा होगा इंडिया को इन दिस वर्ल्ड कप। द 12th मैन, द पीपल अराउंड। बहुत मुश्किल है इंडिया हरे इस ICC टूर्नामेंट में, आई एम नॉट गोना लाए, लेकिन अगर कोई टीम हरा सकती है वो पाकिस्तान ही है। मैं आप सबको ये दावे से कह सकता हूँ, क्योंकि पाकिस्तान इन कंडीशंस से बहुत फेमिलियर है। बेशक वो खेली भी नहीं उधर, लेकिन ये ज़मीन एक टाइम पे एक ही थी। तो अगर कोई फतह कर सकता है इंडिया में जाके इंडिया टीम के ख़िलाफ़, तो वो पाकिस्तान टीम ही है। तो अब इंडियन टीम की वापस बात करते हैं। बहुत मुश्किल होगा, ठीक है, दे आर द क्लियर फेवरेट्स और दे आर द टीम टू बीट राइट नाउ। जिस तरीके से अश्विन आया टीम में, आई थिंक वो एक ट्रम्प कार्ड बनी है इंडिया के लिए, क्योंकि वो जो कैरम बॉल कराते हैं जो इज़ नॉट ए दूसरा बट इट्स अ कैरम बॉल एंड इट स्पिन्स लाइक अ दूसरा, इनफ डिग्री स्पिन होती है टूवर्ड्स द लेफ्ट व्हेन इट पिचेस, दैट इज़ एन अनबिलीवेबल डिलीवरी। और उसके बाद लेफ्ट आर्म चाइनामैन कुलदीप यादव, वो अलग विकटें ले रहे हैं, एंड देन रवि जडेजा हु बॉल्ड अ रिपर टू स्टीव स्मिथ, वन ऑफ द बेस्ट बॉल्स ऑफ द टूर्नामेंट येट। और ये मुझे लग रहा है बहुत मुश्किल होगा इस बॉल को बीट करना थ्रू आउट, लेकिन यही बात है कि उन्होंने हिलने ही नहीं दिया ऑस्ट्रेलिया को, और ऑस्ट्रेलिया ने आखिर में 200 भी नहीं बनाया। आई थिंक 199 पे वो ऑल आउट हो गया था। और बहुत मुश्किल स्टार्ट था इंडिया के लिए। दे वर लाइक 5 for 3 और समथिंग, और रोहित ने यही कहा था 2021 में, जब मैं चाहता हूँ जब 10 for 3 हो या इतना हो, जब रॉक किया था शाहीन ने उन्हें T20 वर्ल्ड कप में, उड़ा दिया था ऊपर से शाहीन ने सारों को। तो उस वक्त रोहित ने स्टेटमेंट दी थी, मैं चाहता हूँ कि इन द फ्यूचर हम इस पर काम करें और जब ये हालात हों तो मिडिल ऑर्डर स्टेप अप करें। और क्या स्टेप अप किया मिडिल ऑर्डर, वही है। मैं आपको आशुभनम गिल नहीं खेले थे भाई, तभी उन्हें डेंगी हो गया था, बेस्ट ऑफ विशेज़ फॉर हिज रिकवरी। लेकिन जो बीच में मिडिल ऑर्डर बन गया है, अब शुभनम और रोहित तो ऊपर हैं, और शुभनम हमें पता है हम कितने एक्सपेक्ट करते हैं उससे, और रोहित तो हमें पता है कि इस क्लास के प्लेयर हैं। लेकिन जो मिडल ऑर्डर बन गया है कोहली और राहुल, ये दोनों प्लेयर्स बहुत सिमिलर हैं और शायद T20 में आप डिज़ायर ना करते हो राहुल को, लेकिन वन डे में ही इज़ जस्ट टेलर मेड. और कोहली एज वी ऑल नो इज़ द ग्रेट गोट इन वन डे इंटरनेशनल क्रिकेट, स्पेसिफिकली ओनली टॉकिंग अबाउट वन डे इंटरनेशनल, स्पेशली चेजिंग. और एक और चेज़ में उन्होंने वो बहुत कमाल से, मैं बोलूँगा कोहली की स्लिप फील्डिंग ही बहुत अच्छी थी आज. इफ्तिखार ने जैसे स्लिप में कैसे छोड़े थे वैसे ही कोहली ने पकड़ा था. ही डोव टू हिज लेफ्ट और बहुत मुश्किल कैच था और उन्होंने पकड़ा था. अगेन टेस्टमेंट टू हिज फिटनेस. लेकिन जिस तरीके से बैटिंग की थी, ही वेंट आउट फॉर 85-86 और उस वक्त 15 रन चाहिए थे इन्हें सेंचुरी के लिए और 25 रन चाहिए थे, 25 रन उन्हें चाहिए थे राहुल को सेंचुरी के लिए. और उस वक्त कोहली ने चार्ज करने की कोशिश की थोड़ी एंड यू आर आउट. और आखिर में दोनों की सेंचुरी नहीं बन सकी, लेकिन राहुल स्टेड ऑन द विकेट टिल दी एंड. मुझे नज़र आ रहा था कोहली सेल्फिश हो गया था थोड़ा सौ के लिए. हर कोई देख सकता है, एवरीबडी नोज ही वांट्स द 100 हंड्रेड्स. उनका माइलस्टोन ये है, ठीक है. राहुल भी चाह रहे थे सेंचुरी हो जाए, लेकिन आखिर में दोनों की नहीं हुई. लेकिन दोनों की इनिंग्स वर एज गुड एज सेंचुरीज, क्योंकि इट एंडेड अप कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू अ विन ओवर द वन ऑफ द फेवरेट्स ऑस्ट्रेलिया. तो ये पॉइंट्स बहुत मैटर करेंगे इन दी एंड. और बैटिंग तो थी इंडिया की टोटली डोमिनेटिंग, लेकिन बॉलिंग ने सेटअप की थी स्पिन को. और अगेन इस स्पिन को खेलना, इन 3 स्पिनर्स को खेलना, इंडिया की टीम टोटली सेट है, कॉम्बिनेशन बन चुकी है और बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं उनके पास. सो ग्रेट वर्क ऑन दैट फ्रंट. रोहित हैज़ रियली लेड द टीम वेल. मैंने पर्सनली वीडियो बनाई है रोहित और विराट की क्रिकेट राइवलरी, ये सबसे लंबी वीडियो है पूरे दूसरा व्यू में. उसके अंदर क्लियरली मैंने आपको बताया कि रोहित और विराट में क्या डिफरेंसेस हैं कप्तानी के. उसके अंदर बताया गया पास्ट में क्या हुआ था, विराट किधर गलत गया था, रोहित किधर ठीक गए थे और आखिर में रोहित को कैसे कप्तानी मिली. और हम सारों को पता है कितनी बड़ी कंट्रोवर्शियल रिस्क थी जब विराट को हटाया था गंगुली ने, लेकिन इट हैज़ एंडेड अप पेइंग ऑफ. क्योंकि नॉट ओनली इज़ इंडिया परफॉर्मिंग वेल अंडर इट्स न्यू कैप्टन, बल्कि कोहली की परफॉर्मेंस एज अ बैट्समैन कहीं से कहीं चली गई है भाई. तो ये ऑल विन विन जा रहा है इंडिया के लिए. वर्ल्ड कप बहुत अच्छा हो रहा है. मैं थोड़ी बस जनरल बातें करना चाहता हूँ थोड़ी. श्रीलंका और साउथ अफ्रीका गेम हुई थी, 428 रन बनाए साउथ अफ्रीका ने और 3 सेंचुरीज मारी थी. वानडूसन ने मारी थी, क्विंटन डिकॉक ने मारी थी और मार्खम ने मारी थी. और मार्खम ने फास्टेस्ट सेंचुरी इन क्रिकेट वर्ल्ड कप हिस्ट्री मारी. तो साउथ अफ्रीका को लाइटली ना लें. और मेरी एक भी टीम है जिसको मैं सपोर्ट कर रहा हूँ पाकिस्तान के बाद, वो साउथ अफ्रीका ही. एंड नो इट इज़ नॉट बिकॉज माई फेवरेट कलर इज़ ग्रीन. तो साउथ अफ्रीका ने 2022 T20 वर्ल्ड कप में बहुत इंप्रेस किया था और अभी भी वो अपना जलवा दिखा रही हैं. और बैटिंग क्या किया उन्होंने, इन पिचेस के ऊपर उन्होंने धो दिया टोटली श्रीलंका को. श्रीलंका ने वापसी में भी जवाब दिया था, उनने भी बहुत स्पिरिटेड गेम खेली. उन्होंने 300+ बनाए थे, लेकिन पहले 200 उन्होंने नो टाइम में बनाए, जस्ट लाइक साउथ अफ्रीका. तो रन रेट के हवाले से दे वर ऑलवेज इन द गेम. और उन्होंने देखा था कि वी कांट just bow down to South Africa even after such a big total. So very spirited fight. 700 ज़्यादा runs बने थे उस मैच में और what a high scoring game. उसके अलावा बांग्लादेश ने थोड़ी अच्छी बॉलिंग की उसके खिलाफ, अफगानिस्तान के खिलाफ. अफगानिस्तान ऑब्वियसली T20 टीम है, वो हार गए बांग्लादेश से. तो एक और रिज़ल्ट ये था. और इस वक्त हर किसी ने एक मैच खेल लिया. न्यूजीलैंड का बहुत बड़ा मैच था अगेंस्ट इंग्लैंड, डिफेंडिंग चैम्पियन दैट वाज द ओपनर. न्यूजीलैंड ने जीत लिया था थैंक्स टू रचिन एंड को. और इंग्लैंड को एक धचका मिला. तो मैं यही बोलूँगा इस वक्त बहुत कंपेटिटिव है. और कंसिडरिंग नेदरलैंड्स भी है तो और कंपेटिटिव हो जाएगा, क्योंकि दोज टॉप साइड्स विल रियली बी एट देयर ईच अदर्स नेक. कोई वेस्ट इंडीज़ नहीं है इस बार किसी को आउट ऑफ नोवेयर हरा दे. नेदरलैंड्स हर किसी से हारेगा, ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है. नेट रन रेट विल मैटर इन दी एंड, लेकिन दिस इज़ ऑल पार्ट ऑफ द वर्ल्ड कप, दिस ऑल पार्ट ऑफ द गेम. जैसे हम सबको पता है 2019 में पाकिस्तान नेट रन रेट की वजह से ही आउट हुआ था. तो किसी को ना बोलने दें आपको कि नेट रन रेट डजेंट मैटर एट दिस पॉइंट, या जो भी, इट मैटर्स फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द टूर्नामेंट. हमने ये हार्ड वे सीखा था पिछली बार एंड वी कैन नॉट अफोर्ड टू थिंक लाइक दिस एनी मोर. सो इसी उम्मीद और तमन्ना के साथ कि पाकिस्तान आगे अच्छा परफॉर्म करती रहेगी. डू सब्सक्राइब द चैनल सो यू कैन कीप बी अपडेटेड विद एवरीथिंग ऑन दूसरा व्यू. कुछ वीडियोस में लाइव भी करूँगा आप सबके साथ. इंडिया और पाकिस्तान के मैच के बाद तो पक्की बात है लाइव होगा, तो उस सब के लिए डू सब्सक्राइब द चैनल. एंड एज ऑलवेज मैं आपको याद दिलाते रहूँगा जब तक प्रोडक्शन आपके सामने नहीं आती. स्पॉट फिक्सिंग स्पेशल्स बन रहे हैं 2010 के फ़ियास्को के ऊपर और बहुत आगे तक मैं पहुँच गया हूँ. इस वक्त ट्रायल्स की वीडियो रहती थी, मैं आपको बताया था 5-6 वीडियोस पहले बन गई हैं पूरे सीन की, लेकिन जो ट्रायल्स हुए थे 3 प्लेयर्स की उनकी वीडियोस बन रही थी रिसर्च, तो उनमें से 1-2 रहती हैं, उसके बाद मैं रिकॉर्डिंग वगैरह शुरू कर दूंगा और ऑब्वियसली क्रिकेट वर्ल्ड कप की थ्रू आउट बात होगी। सो फॉर ऑल दैट एंड लॉट मोर ऑलरेडी ऑन द चैनल, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड एन्जॉय ऑन दूसरा व्यू। तो उसके अलावा होपफुली यू गाइज लाइक द वीडियो एंड इफ़ यू डिड डोंट फॉरगेट टू लीव अ कॉमेंट, बताएं आपकी क्या सोच है पाकिस्तान टीम के ऊपर, क्या हवाला रखते हैं आप, टीम सही रुख में जा रही है, ओपनिंग में हम क्या कर सकते हैं और कोई पॉसिबल चेंजेस आप देख रहे हैं, उसाम मीर को कैसे लाना है, आप सेटिस्फाइड हैं टीम से। उसके अलावा इंडिया अगेन वेरी बिग फेवरेट्स इन द टूर्नामेंट। और अब मैं आपको कहना चाहता हूँ बाय बाय, खुदा हाफिज़, और अब बात होगी पाकिस्तान के अगले मैच के बाद। अंटिल नेक्स्ट टाइम गाइस, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, आई विल सी यू सून एंड अस्सलाम वालेकुम।